भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज्यादा भरोसा होता। जो बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आई है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स दिए हैं, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण, इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ।